किसान आंदोलन को 48 दिन हो गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उनको 48 दिन हो गए हैं। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। लगातार किसानों का जो धरना है वो जारी है। कई दौर की बातचीत एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट में मसला एक तरफ, लेकिन किसान जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं डे वन से, वो बात एक तरफ। और हम जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आंदोलन किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, इस पर कोई बहस नहीं होगी। हम आपको नज़ारे दिखाएंगे। एक खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, किसान का घर। और एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि किसान का घर कैसे होता है। तब जब किसान को लेकर एक परिभाषा शुरुआत में गढ़ी जा रही थी कि ये लोग किसान नहीं है, ये बताया जा रहा था और उसको लेकर तरह तरह की दलीलें दी जा रही थी। तो एक तरीके से किसान क्या है, अब एक बड़ी चुनौती आंदोलन में बैठे किसानों के सामने ये भी थी कि ये भी लोगों को बताना कि आखिर जो शहरों में रह रहे लोग हैं, ख़ास तौर पर दिल्ली में रहने वाले, उन लोगों को बताया जाए कि जो यहाँ पर बैठे हैं वही एक्चुअल किसान हैं। तो ये घर यहाँ पर बनाया हुआ है। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ, अपने कैमरामैन भानु को बोल के कि आपको दिखाएँ कि किस तरह से इन्होंने घर बनाया हुआ है। एक कुटिया सी यहाँ पर बनाई हुई है, लोग यहाँ पर जो है वो आराम कर रहे हैं। जाहिर है जो किसान दिन भर आंदोलन में हैं वो थक हार कर बैठ कर इस अपने घर में आनंद ले रहे हैं। और एक बड़ा ही खूबसूरत, थोड़ा सा आसपास और दिखा देते हैं कि किस तरीके से फूलों को यहाँ पर एक छोटे से गमलों में सजाया गया है, लटकाया गया है और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, बल्लियों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान भाई बैठे हुए हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं, फिर थोड़ा अंदर भी चलेंगे जो लोग अंदर इस वक्त आराम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रंजीत सिंह। रंजीत जी, ये बताइए कि ये जो सेटअप किया है किसान का घर, क्या मतलब है इसका, क्यों आपने ये लगाया है? ये आंदोलन चल रहा है अभी, हमारा घर ही यही है। जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होता हमारा घर ही यही है, हम जाना नहीं कहीं भी, बस। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मनजीत सिंह। मनजीत जी, मुझे बताइए कि मैं देख रहा हूँ आपने लिखा है किसान का घर। शुरुआत में ये बातें हुई कि किसान ये लोग नहीं हैं, आप लोगों को कहा गया कि किसान जो है वो ऐसे थोड़ी ना दिखता है, तो क्या एक तरीके से दिखाने की कोशिश भी है कि आइए आप आंदोलन में तो आइए, देखिए कि कौन किसान है कौन नहीं? ऐसे जो कह रहा नहीं किसान नहीं है वो आके देखे, क्या प्रूफ चाहिए उसको? हाँ। फर्द दे दें या आधार कार्ड है, कोई जमीन है, खतौनी होती है। हाँ। सब कुछ निकलवा देंगे आए तो। हाँ। जो मांगना चाहिए वो ही देंगे। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? निंदर सिंह जी। कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी से आए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? पीलीभीत जिले से आए हम। अच्छा, पीलीभीत से जी। अच्छा, किसान आंदोलन को 48 दिन से ज्यादा हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला है। हाँ जी। कल बहुत कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को फटकार भी लगाई गई। क्या कहना चाहते हैं अभी आप? अभी तो लग नहीं रहा है 26 जनवरी से पहले कोई रास्ता निकलेगा। देखो, रास्ता तो निकलेगा। हाँ। और इन लोगों को मानना पड़ेगा, कितने दिन ये इस बात को नहीं मानेंगे। और बाकी रही बात सुप्रीम कोर्ट की, हम लोगों को बहुत पहले किसानों के लिए आदेश आ चुके हैं गन्ने के लिए कि गन्ने का 14 दिन में पेमेंट दिया जाएगा, आज तक लागू नहीं हो पाया। अगर कोई सरकार कानून बनाती है तो हम पे उसी दिन लागू हो जाता है, जैसे यह पराली का लगा। हाँ जी। और पराली जालने से रोक लगा दी गई, हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानियाँ आई उसमें कि प्यार खेत से निकाल के ले जाएं तो कहाँ ले जाएं, उसको किस जगह इकट्ठा करें, कोई जगह तो है नहीं कहीं, तो फिर दूसरे जला सकते नहीं उसे। कहते हैं कि जेसीबी से गड्ढा खोद के उसको गड्ढे में भर के ऊपर पाटो, जेसीबी कौन लाएगा, कहाँ से जेसीबी आएगी? किसान किसान के पास तो गरीबी से अलावा कुछ है नहीं। कि आप देख रहे हैं कि 1868 रुपये धान का भाव है और 1100 में बिक रहा है। किसान की तो रोटी रोजी चलना मुश्किल हुई है, कहाँ से गड्ढा पाट के उसे निकालेगा, क्या करेगा? देखो, ये कानून बनते हैं बड़े लोगों के लिए, उसी दिन लागू हो जाते हैं, मगर गरीब का कानून बना हुआ लागू ही नहीं होता है। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, हम लोग तो मानने को तैयार हैं, मगर है कुछ नहीं। ये ऐसे ही मानेंगे, ये कब तक नहीं मानेंगे? नहीं जाएंगे हम लोग घर पे, चाहे हमारे 6 महीने लग जाएं। हाँ, ये आंदोलन स्थल बनाया था, लेकिन अब आपको घर, आपने घर बना लिया है, हैं? तो लगा था कि इतना लंबा कभी आपको यहाँ टिकना पड़ेगा? सर, ये तो कभी सोचा नहीं था। अब मगर यहाँ पे हमने पूरे इरादे से टिके हुए हैं, जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, ना ही हम संशोधन करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम जब यहाँ से रद्द कहोगे तभी वापस जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे सर। अच्छा, मैं नीचे से आ रहा था, कई सारे टेंट्स लगे हुए हैं, ट्रॉलियाँ हैं, लोग सो रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये पहला मुझे दिखा जहाँ पे लिखा हुआ है किसान का घर। क्या क्यों लिखा है आपने? जी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा घर यही है, यही रहेगा। हाँ जी।
चलिए ठीक है। तो अब मैं एक बार फिर से कहूँगा, अपने कैमरामैन को दिखाएं, पीछे यहाँ लिखा हुआ है किसान का घर, और थोड़ा अंदर का एक बार और नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सोने के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है वो किसान भाई आराम फरमा रहे हैं। चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा बाहर जहाँ पर भाई साहब अभी बैठे हुए थे वो परिसर अब थोड़ा ऊपर वाले व्यू से दिखा देते हैं। और वो जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं वो छोटा सा दरवाज़ा अंदर आने के लिए था, अब हम इस दरवाजे से बाहर की तरफ चलते हैं। आंदोलन के और जो दूसरे नज़ारे हैं वो आपको दिखाने की हम जो है वो कोशिश करेंगे।